थी ना, जितना कुछ हम मिक्स करा उतना हो जा रहा है। हेलो फरहान, इतना भी महा के आए इसलिए मैं सिर्फ बाद में जल्दी जैसे देख रही हूँ। हमारे यहाँ आलू को डब है और देखो तलाद है। आओ मैं घर घर से आऊँ। समोसा वाले क्षण आ रहा है, आलू को अंदर क्षण आ रहा है। जितना तो बोलो कोई वॉइस नहीं आएगा। आलू गुंडा बन रहा है, आलू गुंडा बन रहा है, बढ़िया वाला, स्वादिष्ट वाला। आंटी मस्त खाना बना रही है। चटनी तो किसको नहीं लग रहा है, ये बन के रेडी है। ये बुआ रेडी कर करके दे रही है आंटी को, है ना। हाँ बस इतना ही है। हाँ कुछ बना लेंगे अपने पास डिस्पोजल का। अरे यार हमारे घर में नए गेस्ट आए हैं। रहमानी की रखा इतना। अरे 5 किलो, 5 किलो लहसुन का करेगा। 5 किलो गोश्त, 5 किलो, 5 किलो पागल वाला गोश्त है। गोश्त है, गोश्त गोश्त है। या 1 किलो पर पर पर्सन, पर पर्सन यहाँ पे है ना। तो अमोल में कार्य प्रगति पर क्या सुख है जी। खाली खाली कर उसको डालेंगे जी। लड्डू देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बच्ची हाँ यार, अब आइए भेजेगी देखना कहाँ देख रहा है। रेट भेजेगी देखना। वही तो पूरी हूँ मैं, कल तो हमारे बहू को दिखा रहे थे तो थोड़े दिन बाद बनाएंगे तब भेजेंगी। अभी वाला सब देखेगा आप भी, थोड़े दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो आप देखिएगा, अपनी बहू को भी बोलिएगा देखने के लिए, ठीक है। मेरा भी आएगा ना। हाँ आपका क्यों नहीं आएगा, ब्लॉग बन रहा है तो आपका जरूर आएगा। आप सबको खाना बना के टेस्टी टेस्टी खिलाए हो इतना मेहनत करके। आपके जरिए से मेरे को और काम मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ आंटी बिल्कुल काम, अगर जितने लोग हैं हम लोग अपने परिवार में अगर जरूरत लगेगा तो इधर उधर बुलाते रहेंगे, कोई नहीं तो हम तो है ही है। लाजवाब मेन से फूफा जी। आपके बिहार वाले पूछेंगे कि फूफा जी है कौन, ये पूछने वाला है। फूफा जी मटन बना रहे हैं आज। डालक दीदी चला गया, चला के डाल चला चला। लाजवाब लजीज
मटन रोगन जोश क्या होगा जी? मटन और ये हमारे फूफा जी से बनाने वाले जो राजनाथ गांव से चलकर आए हैं भिलाई में पैदल, हाँ, और अपने कर कमलों के द्वारा मटन बनाए हैं। हमारे मास्टर सर नहाए नहीं हैं अभी, नहीं नहीं कल मैं पास वाले मार्केट जाऊं। सुना मार्केट जा रही है पास वाली, हम बोला जाएंगे ना जाना पड़ेगा। कमेंट्री कोई करेगा वो आप ही कर सकते हो, आप पहले के ना अभी ऐसा थोड़ा इसका मन मालूम है तो नहीं जाओ, सो गया ये बंदे एक रोड बैठ गए, दूसरा रेड चावल ले लो, पत्तल लगाओ, पत्तल गुस्सा करता पूरा समय पूरी रात है, ठीक है गुस्सा बात नहीं करते लेकिन आप सही नहीं कर रहे हैं। अब फिर आना प्लीज प्लीज प्लीज, पता मेरे को लग रहा है सेकेंडरी जाएंगे इसमें मैं हड़बड़ाई नहीं, अब इसमें रखने का लिए बस आप लोग अपना दिल्ली ध्यान रखिएगा, ले जाने के लिए नहीं मैं एक में करके रखती हूँ। और बभी हुआ आप नेक्शन फूफा जी लेके रहे थे उनकी एक कमी रही है, अब दूं मैं आशीर्वाद, अब आशीर्वाद लूंगी, अब आशीर्वाद में जल्दी से दो दिन करे आइए बबुआ, अभी तो मिलेंगे हम ना, डायरेक्ट एसी से गर्मी में अचानक निकलो निकलो तो बाहर निकल गए, बताओ खाना खाने के बाद आराम किया जाता है चाया के लोग मेरे को आने वाले भैया, रुको भैया नहीं जाएगा बबली गिरा रहे हो आप उतर पे फ्रेंड्स, गर्मी इतना ज्यादा है कि सब लोग कोई चेंज नहीं किए, सब बस एसी से निकल के दोस्तों गाउन से ही गाउन पहने ही ई रिक्शा में बैठकर घर चले गए हैं मेरी सिस्टर के, सिस्टर का घर भी पास में ही है दोस्तों, फिर वहां से शाम को सब लोग जाएंगे संडे मार्केट करने, संडे मार्केट जाने का इच्छा था इसी वजह से जल्दी निकल गए हैं। आंटी को आज ना दोस्तों रात तक खाना बनाने के लिए मैं बात की हुई थी बट सब लोग चले गए हैं तो आंटी का मैं पेमेंट कर दूंगी, आंटी अभी अपना किचन वगैरह क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके आंटी भी घर चले जाएंगी। फ्रेंड्स जस्ट अभी आंटी को पेमेंट कर दी, आंटी को पेमेंट करने के बाद आंटी चले गई है और बस उसके बाद अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, आंटी सारा किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी, आंटी को पेमेंट वगैरह कर दी और उसके बाद थोड़ा देर बैठ करके बात बात करते, देख सकते हैं अच्छे से गैस वैस क्लीन कर दिए जैसे मुझे पसंद है ना वैसे ही कर दिए, मैं बोली थी आंटी क्लीन कर दीजिएगा तो अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिए हैं, ये देखिए प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ भरा हुआ था, जितना ज़्यादा आइटम उतना ज़्यादा मतलब भर जाता है दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अभी शाम को मैं मेरी सिस्टर के घर जाऊंगी तो थोड़ा सा धूप डाउन हो जाए ना, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ और भाप लेना है मुझको वो ले लूँ,
इसके बाद सिस्टर के घर जाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं बहुत एक न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।